YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा भगवान सीता पर दिए विवादास्पद बयान पर पूरा फंस गए हैं। दिनेश शर्मा के खिलाफ बिहार के सीतामढ़ी में केस दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि शर्मा ने कहा था कि रामायण काल में सीता जी का जन्म एक घड़े से हुआ था, जबकि सच्चाई ये है कि उस काल में टेस्ट ट्यूब बेबी जैसी तकनीक मौजूद थी जिसके जरिए भगवान सीता का जन्म हुआ होगा। कोर्ट में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता विक्रम सिंह ने डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के खिलाफ 15 जून को मुकदमा दर्ज कराने को लेकर परिवारवाद दाखिल किया था, जिसके बाद डिप्टी सीएम के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दो तारीख को हमने अखबार पढ़ा था तो उसमें एक न्यूज छपी थी, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री दिनेश शर्मा जी ने माता सीता को टेस्ट ट्यूब बेबी बोल दिया। ठीक है, अच्छे पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता का ये मतलब नहीं होता कि वो कुछ भी बक दें। अच्छी बात है, कुछ भी बोलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी एक अपने आप को हिंदूवादी संगठन होने का दावा करती है और सीता माता को अगर टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये हमारे धर्म के बारे में अच्छा बोल रहे हैं। वो हमारे धर्म को मजाक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उनके खिलाफ एक परिवार तक यहाँ पर हमने एक मुकदमा दर्ज कराया है सीजीएम कोर्ट में, और यदि मुझे अपने भरोसा है अपने माननीय कोर्ट पर कि वो इनको सजा जरूर देगा इसका।